सो हेलो फ्रेंड्स, मैं अथक कुमार। आज के देखने वाले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन 14 का। 14 का 14 का एक क्वेश्चन और 14 का है। अगर इस वीडियो को हम लोग जल्दी कर लेंगे तो हम लोग सही से कर पाएंगे। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग नए जोश के साथ, है ना, विथ ए न्यू जॉयफुलनेस। एंड और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 है, 13 नंबर। जो देखो क्या बोल रहे क्वेश्चन। अ फोर्स एफ इज इक्वल टू अल्फा आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप इज एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 12 के कैप। द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज कंजर्व इज। तो चलो देखो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व बोल दिया है, तो थंब रूल क्या है हमारे पास। किसी भी सिस्टम पे फोर्स अगर जीरो होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है। यही होगा ना यार स्पेलिंग। ठीक है चलो, मोमेंटम कंजर्व रहता है किसी सिस्टम पे टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं याद रखने वाली, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सर। चलो देखो, अब अगर हमारे पास मोमेंटम कंजर्व है तो टॉर्क जीरो है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। एफ डॉट, सॉरी हम भी ना क्या क्या लिख देते हैं। एफ डॉट आर तो होता है तुम्हारा वर्क डॉट का ना, तो ये होता है आर क्रॉस एफ, है ना। तो आर क्रॉस एफ यानी जीरो होगा, साइन यानी क्या हो जाएगा 0 डिग्री। साइन जीरो होगा इसका मतलब आर एंड एफ जो होगा वो पैरेलल होगा, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट हमारा जीरो आना चाहिए। सिंपल सिंपल बात क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। चलो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं ना, यहाँ बनाता हूँ मैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। आई कैप जे कैप के कैप। आई देखो क्या है फोर्स का, अल्फा है सर, प्लस 3 है सर एंड प्लस 6 है। आर क्या है, 2 है, माइनस 6 है, माइनस 12। आप बोलेगा आर लिखा पहले, फिर लिखे मैंने एफ लिख दिया। अरे कोई बात नहीं यार, चलता है। आई को छुपाओ, लिखो 36 माइनस में फिर माइनस, लेकिन माइनस प्लस हो जाएगा 36 प्लस 36। माइनस जे लिखो, जे छुपाओ, ये लिखो माइनस 12 अल्फा, ये लिखो 12 माइनस 12 प्लस के लिखो, के छुपाओ, मल्टीप्लाई करो। तो मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मैंने पहले बताया है कई बार। तो जो लोग पिछले वीडियोस नहीं देखने पुराने वाले, 1D 2D मोशन सबका, वो उनकी गलती है मेरी नहीं, मैं हर चीज़ बता रहा हूँ। -16 2 अल्फा -6 अल्फा 3 6 -6, ठीक है माइनस करते हैं यहाँ पे। इट शुड बी इक्वल टू जीरो, दिस इज एब्सोल्युटली जीरो। एंड व्हाट वी हैव नाउ, वी हैव समथिंग अबाउट इट, है ना। हमारे पास कुछ तो है यहाँ पे, वो कुछ क्या है जरा देखा जाए। तो वो कुछ यूं है कि हमारे पास क्या है ना, यहाँ पे देखो क्या है। चलो मैं इसको पूरी तरह से लिखता हूँ, ये चीज हटाओ यहाँ से, इसको ऊपर लिखो। जैसे मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 12 अल्फा माइनस से प्लस कर दो, प्लस 12 ये तो जे कैप में है, ये तुम्हारे पास प्लस -6 अल्फा -6 k कैप में है, इक्वल टू 0 है हमारे पास। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब 12 कॉमन ले लेते हो, इसमें कॉमन ले लेना, कोई दिक्कत, कॉमन ले लो। 12 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा g j कैप, 1 प्लस अल्फा या अल्फा प्लस 1, एक ही बात। -6 कॉमन ले लेते हैं, -6 कॉमन ले लेंगे इससे, तो हो जाएगा मेरे पास माइनस तो चला गया, 6 चला गया, अल्फा बचा, -6 चला गया तो +1 बचेगा, तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू के कैप इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इस चीज़ में, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अब जरा यहाँ पे गौर से देखो क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, कि हमारे पास निकालना है अल्फा का वैल्यू हमें, है ना, अल्फा का हमें वैल्यू निकालना है। तो ये दोनों जब जीरो आएगा, माइनस प्लस अगर मेरे पास है
तो दोनों को हमारे पास क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब जरा देखो, अगर मैं इसको अलग से जीरो करूंगी, देखो क्योंकि जब भी हमारे पास दो डायरेक्शन में कुछ होता है, ऐसे मान लो ये जे में है, ये के में है, ठीक है, समझो इस बात को, जे में के में इन दोनों का वेक्टर सम एडिशन होता है। लेकिन अगर दोनों का सम एडिशन जीरो है, यानी कि जे इंडिविजुअली जीरो है और के भी इंडिविजुअली जीरो है, यानी दोनों अलग अलग मामलों में अपने आप में जीरो है, डजंट मैटर कि दोनों का प्लस जीरो हो रहा है कि नहीं, उससे पता नहीं पड़ रहा, दोनों खुद में भी जीरो है। तो अगर दोनों खुद में भी जीरो है, इससे हमें ये पता चलता है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, या तो 12 × 1 + α जो जे कैप है वो जीरो है, या फिर 6 × 1 + α ये जीरो है, ठीक है ना, हमारे पास ये जीरो है या फिर वो जीरो है। शायद आपका माइनस यहाँ आएगा, प्लस वहां आएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसे कोई नहीं पड़ता। तो ये 12 यहाँ जाएगा, 6 यहाँ जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो 1 + α विल बी 0 एंड इधर भी 1 + α विल बी 0, यानी कि अल्फा विल बी -1 यहाँ से आता है, अल्फा इज इक्वल टू -1 यहाँ से आता है, तो आंसर विल बी सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन हो गया। 14, चलो देखो 14 नंबर क्वेश्चन को क्या है बोल रहा है भाई, ऑप्शन एक बार पढ़ना पड़ेगा, सॉरी क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। A system consists of three masses M1, M2 and M3 connected by a string passing over a pulley P. The mass M1 hangs freely and a mass M2 and M3 on a rough horizontal table. रफ पे रखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। द पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास। द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास M1 इज, यानी कि M1 मूव कर रहा है, नहीं M2 एंड M3 को भी मूव करना चाहिए। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या करना है जल्दी बताओ बताओ बताओ, अभी तक नहीं पता चला यार, तो कैसे काम चलेगा। नॉर्मल है, नॉर्मल है, म्यू लग रहा है, एक्सेलरेशन निकालना है, M1 जी इसको खींच रहा है, ऊपर टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेलरेशन नीचे है इसका, M1A, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है सर। सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, सपोर्टिंग कितने कितने हैं देखो, M1 जी सपोर्ट कर रहा है, बस यही सपोर्ट कर रहा है, अपोजिंग ये दोनों का कर रहा है, इसका पहले देखो कितना होगा फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये हो जाएगा माइनस में, देखो ये दोनों फोर्स प्लस होगा, माइनस यहाँ कर रहा हूँ मैं, म्यू म्यू इंटू M2G, म्यू इंटू M2G, बिकॉज M2 एंड एन, एन जो होगा M2G होगा, ये जो M2G है ना यही एन है, प्लस म्यू इंटू M3G, देखो मैं 2 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ये हो गया, अपॉन टोटल मास M1 + M2 + M3। अब जरा देखो यहाँ पे ए को कॉमन ले लो, M1G कर दो, माइनस में से हो गया ये हमारे पास। तो अब मैं क्या करता हूँ इससे कि मेरे पास यहाँ पे आ गया, तो M G को कॉमन ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, जी को कॉमन अभी ले सकता हूँ, तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा का पूरा एक्सपायर कर देता हूँ, M2G - M3G अपॉन M1 + M2 + M3। अब देखो लॉजिक क्या है, लास्ट में क्या कर दिया है ब्रैकेट में, M1 = M2 = M3 = M, यार इतना लोचा क्यों किया, जब इतना कुछ करना ही था नहीं था, तो क्यों ऐसा कर रहा है, ये हो जाएगा MG, चलो छोड़ो, क्यों लिखता हूँ मैं इसको यहाँ पे, मैं इसको यहाँ लिखूंगा ही नहीं, मैं करता हूँ ना, इसका 1 हटा देता हूँ, इसका 2 हटा देता हूँ, इसका 3 हटा देता हूँ, इसका 1 2 3 हटा देता हूँ। अगला ध्यान से देखो, ये mg माइनस और माइनस, अब देखो क्या हो जाएगा, ये mg - 2 μmg अपॉन 3m, तो m से सारा का सारा m कॉमन है, कट जाएगा, ये बचेगा मेरे पास g कॉमन आएगा, हो जाएगा 1 - 2 μ/3, तो ये आंसर है हमारे पास c, इसका आंसर 1 - 2 μ/3। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लो। द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ शोन बिलो। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल 0 to 8 सेकेंड इज। देखो जरा,
एफ इज इक्वल टू चेंज मोमेंटम बाय टाइम, तो चेंज मोमेंटम विल बी इक्वल टू एफ डॉट टी दैट इज इक्वल टू इम्पल्स। वही करना है, ग्राफ दिया हुआ है, इधर से किया ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, है ना, यही कुछ दिया हुआ है। एफ है, टी है, ये जो हाइट है, ये हाइट है सिक्स, ये जो हाइट है, ये हाइट है थ्री, ओके, ये हाइट है, ये हाइट है -3, और ये है टू, ये है फोर, और ये है एट। निकालो एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो पहले। एफ डॉट टी करना है, एफ डॉट टी करोगे तो क्या है, ग्राफ का एरिया आएगा। मैंने पहले बताया, एक वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि ग्राफ में दो ही चीजें होती हैं, या तो मल्टीप्लीकेशन या तो डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन से एरिया आता है, डिवीजन से स्लोप आता है। अगर मल्टीप्लीकेशन कोई क्वांटिटी दे रहा है, फिजिकल क्वांटिटी, तो उसका आंसर हो जाएगा। डिवीजन कोई फिजिकल क्वांटिटी दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो नहीं ठीक है, मतलब नहीं करना है, और क्या, स्लोप निकल लेगा खाली, और कुछ नहीं निकलेगा। निकाल लो एरिया, एफ डॉट टी हाफ इंटू बेस टू इंटू हाइट सिक्स, ये हो गया सिक्स आ गया इसका, इसका एरिया निकालो। ये पहला कह रही है, दूसरा कह रही है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, दूसरा कह रहा निकालो। दो, 4 -2 यानी 2 आया, -3, तो यानी कि 2 × -3 विल बी इक्वल टू 2 × -3 -6, ये आ गया दूसरा का आंसर। तीसरा का आंसर देखो, 8 - 4 4 × 3 यानी कि हो गया 12, इससे ये कट गया, तीनों को ऐड कर दो, आएगा 12 इज द आंसर, 12 N·s इज द आंसर। हमारे पास 15 का आंसर आ गया, 12 N·s। ओके, तो ये मिलता है हमें। दूसरा क्या पता चलना चाहिए हमें कि निगेटिव वाला जो ग्राफ होता है वो निगेटिव मोमेंटम देता है, इसलिए माइनस हो गया। होप सब लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, स्टडी स्मार्ट एंड वर्क हार्ड।